हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय प्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिपेयर, जो कि आपके हाफेली एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। प्रश्न पत्र जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है, इसलिए जो हिंदी मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम दोनों के छात्र हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप? ये मैं सोचना कि हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं है, यहाँ पर नीचे इंग्लिश में रहेगा, इसलिए आप इसको लगातार देखते रहें। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत स्रोत का विद्युत वाहक बल मापने के लिए उत्तम युक्ति है। तो जो विद्युत वाहक बल मापने के लिए योग होता है, प्रयोग होता है, उसको हम बोलते हैं विभव मापी। उसे हम बोलते हैं विभव मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। अच्छा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। निर्वात में मतलब जहाँ पर वायु नहीं होती वहाँ पर चुंबकीय तरंगों का क्या वेग होता है? तो जो इसका सेकेंड आंसर रहेगा, सी इक्वल वन अपॉन म्यू नोट अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यह संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हो। अगर दो दो संपर्क में लेंस रखे हैं, उनकी फोकस दूरी F1 व F2 हो, तो उनके संयोग से बने संयुक्त लेंस की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी? तो ऑप्शन सेकेंड रहेगा, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वोल्टेज नियंत्रण में। तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ, वोल्टेज नियंत्रण में। फ्रेंड्स, इंग्लिश में इसके आंसर लिखे हुए हैं, आप इसको चाहें तो आप स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स का, रिक्त स्थान भरने हैं, तो देखते हैं क्या है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10^18। ठीक, 6.25 × 10^18 जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में श्वेत प्रकाश में एक पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण है। श्वेत प्रकाश में एक पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण है, तो उसको हम बोलते हैं व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं, इसको व्यतिकरण बोलते हैं, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के लिए प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो अनंत होती है। फ्रेंड्स, अगर दो समांतर दर्पण रखे गए हैं तो उनके बीच में अनंत जो है प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का आंकिक मान, विशिष्ट आवेश का आंकिक मान कितना होता है? 1.76 × 10^11 कूलाम पर किलोग्राम, कूलाम पर किलोग्राम, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, 24 घंटे होता है। जो संचार उपग्रह होते हैं उनका आवर्तकाल जो है पृथ्वी के घूर्णन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सही जोड़ी मिलाएं मतलब मैचिंग करनी है। गोली चालक की धारिता फर्स्ट जाएगा फिफ्थ में 4π εr। विभव प्रवणता जाएगी V अपॉन L, विभव प्रवणता किस में जाएगी? V अपॉन L में। चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा? 2 ml। फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, तो सेकेंड हो जाएगा इसका। अर्धचालक पदार्थ की चालकता, तो इसका जो होगा फर्स्ट, ई इक्वल एन ई म्यू नोट म्यू ई प्लस एन एन म्यू एन, ये इसका आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैचिंग है, आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। निम्नलिखित पदार्थों के उत्तर एक वाक्य में दें, उत्तर जो है एक वाक्य में देने हैं। धातु के परावैद्युतांक का आंकिक मान लिखिए। धातु के परावैद्युतांक का आंकिक मान जो है अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। यहाँ पर हमें लिखना है कि धातु के परावैद्युतांक का आंकिक मान अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान एवं वर्ग माध्यमूल मान में संबंध लिखिए। तो क्या होता है शिखर मान और उसमें संबंध? IRMS इक्वल टू आई नोट अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई या इक्वल 0.707 I नॉट, ये होता है आंकिक मान।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मानव के स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का आंकिक मान कितना होता है? तो इसका जो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है? तो यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका जो है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे और ध्वनि तरंगे में कोई दो अंतर लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों और ध्वनि तरंगों में अंतर, प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों और ध्वनि तरंगों में अंतर। अच्छा क्वेश्चन रहेगा, आपको कैसे लिखना है, एक तरफ जो है लाइन खींच के इधर लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे और इधर लिखेंगे ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे। बताता रहूँगा, सुनते रहिएगा आप। सबसे पहले लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरफ, ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं, और ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और ये अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंगों में लिखेंगे इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक नहीं है। क्या? नो माध्यम, कोई माध्यम की आवश्यकता इसमें नहीं चाहिए होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों में। ध्वनि तरंगों में आपको पता होगा कि अगर हमें बोलना है तो उसमें माध्यम की आवश्यकता रहेगी, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्वनि तरंगों में माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इधर विद्युत चुंबकीय तरंगों में थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, इनकी चाल बहुत अधिक होती है, प्रकाश की तरंग चाल के लगभग होती है, निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। ये प्रकाश की वेग से चलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, ध्वनि तरंगों की अपेक्षाकृत चाल कम होती है, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर 332, कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट लिखेंगे, ये तरंगे ध्रुवण का गुण दर्शाती हैं, मतलब इनमें ध्रुवण होता है। ठीक है, और जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनमें ध्रुवण का गुण नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये था विद्युत चुंबकीय तरंगों और ध्वनि तरंगों में अंतर। अब बात करते हैं प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में कोई अंतर देख लेते हैं, क्या रहेगा कोई अंतर इसमें। व्यतिकरण सबसे पहले बात करेंगे कि व्यतिकरण की घटना दो कला संबंध स्रोतों से आने वाले दो पृथक पृथक तरंगागारों के अध्यारोपण से होती है, और जो विवर्तन होता है, विवर्तन की घटना एक ही तरंगाग्र के, व्यतिकरण जो होता है दो तरंगाग्र के, लेकिन विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण होता है। व्यतिकरण की बात दोबारा करेंगे, व्यतिकरण फ्रिंजें प्रायः सामान्य चौड़ाई की होती हैं। व्यतिकरण जो की जो फ्रिंजें होती हैं वो प्रायः सामान्य चौड़ाई की होती हैं, समान चौड़ाई की, समान चौड़ाई की होती हैं, लेकिन जो विवर्तन में फ्रिंजें होती हैं समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता समान होती है, समान तीव्रता, क्या, समान तीव्रता रहेगी, लेकिन जो विवर्तन होगा क्रमिक दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता घटती जाती है। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे कि अदीप्त, सभी अदीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता एक सी होती है, ये लिखेंगे व्यतिकरण की तरफ, और विवर्तन की तरफ सभी सभी अदीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता शून्य होती है अथवा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक पदार्थ का हवा में सापेक्ष अपवर्तनांक √2 है, इसके लिए क्रांति कोण का मान कितना होगा? तो क्या दिया हुआ है, जो म्यू दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, और म्यू कितना होता है, म्यू इक्वल टू होता है 1/sin i, साइन आई। अब आगे क्या करेंगे, साइन आई क्या होगा, हमसे जो पूछा है साइन आई कितना होगा, साइन 45 होगा। ठीक है, तो क्रांति कोण कितना हुआ, वो हुआ 45 डिग्री। नेक्स्ट है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, कांच के सापेक्ष हवा का वो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये भी एक जो है क्वेश्चन था, इसको आप जरूर सोल्व करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो भी मिलते रहें।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।